हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आजकल वो फेमस हो रहा है ना, आजकल वो रोहित खत्री का ये वाला स्किनी आर्म्स और फिर कहता है बूम, तो आजकल यही है भाई, रोहित खत्री को भी देखना पड़ रहा है बताओ। और भाई यहाँ देहरादून का मौसम देखो यार आप, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। तो मौसम तो बढ़िया है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैं अपने गाँव गया था, एक्चुअली किसी की वेडिंग थी और वहाँ मैंने ड्रोन उड़ाया। तो मैंने ड्रोन उड़ाया लेकिन उसका सिग्नल टूट गया और वो नीचे गिर गया पहाड़ से। तो वही मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ आज, कंटेंट नहीं है तो यही बनाना पड़ रहा है। और कुछ दिनों से अपनी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मेरा मोटो व्लॉगिंग का चैनल है, मोटो व्लॉगिंग हो नहीं रही है आजकल, तो कंटेंट बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ही। मेरे पे बहुत सारी क्लिप्स हैं जो मैं सोचता था कि नहीं डालूंगा क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है मोटो व्लॉगिंग से, ट्रैवल व्लॉग से, बट अब मैं वो क्लिप्स इंक्लूड करूँगा। और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन आपका ही है यार, आप बता देना कैसा कैसा, मतलब आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। उस वाले पॉइंट से और ड्रोन आके गिरा यहाँ कहीं, मतलब डीजे स्पार्क पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया। और थैंक्स टू ये बच्चे लोग, जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने मेरी हेल्प करी ढूंढने में। तो ड्रोन का एक पंखा तो टूट गया है, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो, अब हम आ चुके हैं अपने रूम के अंदर और ये मेरे पास ड्रोन का केस है, काफ़ी अच्छा केस है ये मैंने उसी समय लिया था जब ड्रोन परचेस किया था। तो ये देखिए, ये ड्रोन है मेरे पास और इस पे हुआ क्या है, इसके ये टूट गए हैं पंखे, प्रोपेलर्स इसके दो टूट गए हैं इधर से। ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये देखिए घिस चुका है ये कैमरा वाला पार्ट, तो इसके दो प्रोपेलर्स टूट चुके हैं और बाकी सब तो ठीक है। बट यार इस टाइम पे प्रोपेलर्स मंगाना पता नहीं कहाँ से मंगाएंगे, पहले मैं अली एक्सप्रेस से मंगा लेता था लेकिन अब पता नहीं डिलीवरी हो रही है वहाँ से नहीं हो रही है। सो ये ड्रोन मैं अप्रॉक्स यूज़ कर रहा हूँ 2 साल से और मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज यूट्यूब में भी मुझे लगा था कि मैं यूट्यूब पे सारे शॉर्ट्स इसी पे डालूंगा, ड्रोन ही ड्रोन बना के, मतलब ड्रोन ही ड्रोन उड़ा के सब चैनल सब्सक्राइब करेंगे मेरा। और मतलब मेरे को भी थोड़ा था, हॉबी थी इस चीज़ की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुझे मतलब पर्सनली मेरे को पसंद है ये, मतलब ये जो टेकी चीज़ होती हैं ये मेरे को पर्सनली पसंद है। दो मैंने सोचा था कि यूट्यूब में मेन कंटेंट क्रिएशन के लिए ही ये यूज़ करूँगा मैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना कि एक बार जब चीज़ आ जाती है तो उसको यूज़ बार बार करना, और ड्रोन शॉट्स ऐसे होते हैं कि हल्का सा मसाला होता है ना जैसे खाने के ऊपर, तो यही होता है। अगर वीडियो में थोड़े से 2-3 ड्रोन शॉट्स हो तो वो बेटर है, ना कि तुम्हारा पूरा वीडियो ही पूरे ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहा है उस पर, इतनी अच्छी वीडियो बनती नहीं है वो। एंड गाइस, कंटेंट तो काफ़ी है मेरे पास, जैसे कि ये मैंने एक गिम्बल लिया था, अभी मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा पूरा, इससे आप समझ सकते हैं कौन सा गिम्बल है, सबसे पोर्टेबल गिम्बल है। ये भी पड़ा है मेरे पास, तो इसका वीडियो भी नेक्स्ट आएगा, मैं इसको थोड़ा सा मतलब सिनेमैटिक बना के थोड़ा अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था मैंने, बॉडी वॉडी बनाएंगे अच्छे से, लेकिन टाइम इतना, इस समय घर पे बैठना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आप अपनी कंट्री के लिए। सो सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, एंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।